बुलडोजर का जो वर्जन था 1.0, ये 5.0 है। 80% बिल्डर्स सब भू माफिया है, हर एक इमारत गिरनी चाहिए, भ्रष्टाचार की आज शुरुआत हो गई है। मैं योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ऑल क्रेडिट गोज टू सीएम योगी, बहुत खुशी का दिन है, आज रावण दहन है। यूपी पे जो राज किया है भू माफिया लोगों ने, उसको उध्वस्त करने वाले अगर कोई नेता है तो बाबा योगी है। बाबा का बुलडोजर सही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत हांडा है। बहुत खुशी का दिन है, आज रावण दहन है, आज लोगों को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, पूरी जनता इससे खुश है, पूरा प्रदेश इससे खुश है। आज का सबक बिल्डरों के लिए है, आज के बाद ये ऐसी चीज़ें हुआ नहीं करेंगी। एक उनके भी एक मैसेज जाएगा कि आज के जो सोसाइटी बना के देनी है बेहतरीन सुरक्षित रजिस्ट्री के साथ टाइम से पहले दी जाएगी और कोई घपला नहीं किया जाएगा। मान सकते हैं कि योगी है तो यकीन है, योगी है तो यकीन है, उसी का परिणाम नहीं उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, शायद दूसरी सरकार होती। मुझे आप ये बताइए, योगी से पहले जो सरकारें रही हैं वहाँ तब ये क्यों नहीं एक्शन हुआ? 2013 में मायावती के टाइम पर हुआ, तब क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों हो रहा है? ऑल क्रेडिट गोज टू सीएम योगी। ये एक कह सकते हैं कि बुलडोजर का एक अपडेट वर्जन आया है कि जो एक बड़ी बिल्डिंग को विस्फोटक के द्वारा कैसे गिराया जाए। ये पूरे देश नहीं, प्रदेश नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में एक संदेश जा रहा है। आज का जो होगा संदेश जाएगा और लोग इसे सबक लेंगे, ठीक है, कि भाई कहाँ फ्लैट बुक कराना, कहाँ नहीं कराना, कौन चोर है, कौन चोर नहीं है, सब कुछ सामने आ गया। आपको नहीं लगता है कि उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो? अधिकारी पे होनी चाहिए, चाहे वो अथॉरिटी का हो, चाहे वो बिल्डर हो, सारे सलाखों के पीछे होने चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो मैं ये देख रहा हूँ बुलडोजर का जो वर्जन था 1.0, ये 5.0 है। सुप्रीम कोर्ट को आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, योगी सरकार को? ये तो सबसे पहले मैं योगी सरकार को ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी देख रेख में ये खबर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया। इसमें लोगों की जो बहुत छोटे तबके के लोग हैं जो बहुत बड़ी मुश्किल से डेली का अपना पैसा बचा बचा के और एक घर का प्लान करते हैं और ये बिल्डर लोग उसमें घफला करके क्या कहते हैं अपने नाम पे लेके काली कमाई का पूरा मजा लेते हैं और विदेशों में जाके अय्याशियां करते हैं, तो हो सकता है कि ये आगे से अब नहीं होगा। आपको लगता है कि इस बात पर अंकुश लगेगा कि जो लोग घर के नाम पर मौत के मुंह का कुआं बना कर देते? अंकुश तो पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि 100% होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, लोगों का डर खत्म हो गया इसे देख के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज प्रजापति है जी। कहाँ से आना हुआ है? मैं कल्याण सिटी थाना डिस्ट्रिक्ट मुंबई के नज़दीक से आता हूँ जी। आज यहाँ पर आने की क्या वजह है आपको? आने की एक ही वजह है कि मुझे मेरी आंखों से भ्रष्टाचार को टूटते हुए देखना है जी। हमारे देश में जिस ढंग से ये इमारतें खड़ी करी जाती है, खास करके भू माफिया से, इसका मैं एक इसकी प्रेरणा अगर मुझे मिली है जी। तो योगी बाबा से मिली है जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश में इन भू माफिया से लड़ने में शिखर प्राप्त किया है जी। उनकी प्रेरणा से आज मैं ये दो इमारत को टूटते हुए, मतलब भ्रष्टाचार को टूटते हुए, भू माफिया को टूटते हुए देखना चाहता हूँ मेरी आंखों से। सवाल ये है कि इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं से कहीं ना कहीं सिस्टम सोया रहा और 32 मंजिला इमारत गगनचुंबी की तरह बना दी गई? ये सिस्टम सोया नहीं है। अगर सिस्टम सोया होता तो आज ये इमारत टूटती नहीं। सिस्टम जागरूक है, तुम न्यूज़ वाले भी जागरूक है, आज ये दो इमारत को टूटते हुए देख रहे हैं। मैं सैल्यूट करूंगा सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने सिर्फ 9 साल की कालावधि में टाइम में आज इतना बढ़िया निर्णय दिया है कि आज पूरे भारत में आज एग्जाम्पल हो जाएगा। और आज से ये महाभारत जो है भू माफिया, भ्रष्टाचार और आम जनता के बीच में, वो आज से शुरू होगा। आज सबको उम्मीद जगेगी कि जिनकी जिनकी भू माफिया ने जमीन लूटी है, पैसे लूटे हैं, जो आम जनता के जो छोटे कहीं कहीं से कमा के घर लेते हैं, उनके पैसे लूटे जा रहे हैं देश में और सब लोग सोए हैं। मैं इसी यही देखने के लिए इधर आया हूँ, खास यही दे मैं भी न्यूज़ में देख सकता था घर में बैठ के, लेकिन नहीं, ये चीज आंखों से देखने की चीज है, न्यूज में देखने की चीज नहीं है, इसलिए आया देखने आया हूं। इसका आज बड़ा मैसेज जाने वाला है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के नीम पर अगर बड़ी इमारत बनाई जाएगी तो इसी तरह गिराई जाएगी। यस, हर एक इमारत गिरनी चाहिए भ्रष्टाचार की। और भ्रष्टाचार खाली भू माफिया नहीं है, ये जो बाबू लागे उनको पैसा दे के क्या क्या दे के, अभी मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बहुत कुछ दिया जाता है और उनसे गलत काम किए जाते हैं, गलत परमिशन ली जाती है और इस तरह से ये इमारतें खड़ी होती है। तो आज ये बहुत बड़ा
फटका है बाबुओं पे, भू माफिया पे और सोई हुई सिस्टम पे। आज सब जागरूक हो गए और ये लगता है। आपको नहीं लगता कि इससे पहले की सरकारों के सहसे इतनी बड़ी ये गगनचुंबी इमारतें बना दी गई और कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको मौत के मुंह में डालने का एक साजिश रची गई? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे सैकड़ों हजारों है लेकिन अपनी शुरुआत तो हो गई ना साहब, यही सबसे बड़ी खुशी है। आज शुरुआत हो गई है, अब देखो ये कहाँ कहाँ चलेगी, कितनी बिल्डिंगें गिरेगी, आप देखते रहिए और गिरेगी। लगता है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1947 से लेके आज तक यूपी पे जो राज किया है भू माफिया लोगों ने, उसको उध्वस्त करने वाले अगर कोई नेता है तो बाबा योगी है। एक बेहतरीन नेता भारत को मिले है, यूपी को नहीं, मैं तो कहूँगा ये भारत को मिले है। और ऐसे ही नेता पूरे सभी राज्यों में रेप्लिकेट करना चाहिए कि जो गलत हो रहा है उसको उसी वक्त निर्णय दे दो ना, तुम क्यों लंबा। अभी अभी योगी बाबा ताबड़ तो बुलडोजर भेज देते जी। भाई वो उसको तोड़ के वो अवैध है, वो एंक्रोचमेंट हुआ है, तोड़ डालते। इसको न्याय बोलते, इसको सिस्टम बोलते हैं। तुम वो नोटिस लिखते बैठो, नीले अन्याय करते बैठो, छः साल, आठ आठ साल, बारह बारह साल एक छोटे घर को तोड़ने के लिए, ये ठीक नहीं है, हमारे देश में ठीक नहीं है। बाबा का बुलडोजर सही है। नहीं, ये अभी बाबा की जो टेक्नोलॉजी है ये उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी, बुलडोजर से आगे की कहानी। लेकिन इसकी जो लर्निंग्स है वो बाबा से मिली है। कह सकते हैं कि जो एक छोटी बिल्डिंग गिराने के लिए जहां महावली और बुलडोजर की प्रयोग किया जाता था, अब बड़ी बिल्डिंग भी कोई बनाएगा तो उसका भी इलाज है गिराने का। साहब शायद आपको पता है, मुझे पता नहीं है, ये वर्ल्ड में तीसरी इमारत है जी। वर्ल्ड में, दुनिया में इतनी बड़ी तीसरी इमारत है, आप सोचो कितनी बड़ी बात है। भारत में यह पहली इमारत है तो इसके जैसा इतिहास और कौन सा हो सकता है, और ये ऐसे इतिहास भारत में होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। और हाँ, ये जो बिल्डर लोगों बिल्डर लोग जो है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, 80% बिल्डर्स सब भू माफिया है। क्या नाम है आपका? सुमित। इसके लिए किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हमारे जो अभी हैं सरकार है, योगी जी, फर्स्ट एक्ट में बहुत जबरदस्त लगता है कि उन लोगों को ये सबक जाएगा कि जो लोग सपनों का घर बता करके मौत का कुआं परोसने का काम करते हैं। ये बिल्कुल उन्हीं के लिए सबसे अच्छा मैसेज है, ये योगी है तो यकीन है। बिल्कुल श्योर, शायद योगी सरकार नहीं होती प्रदेश में, यह हश्र उन बिल्डरों का नहीं होता। ठीक बात है।